सीधे लिए चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा, जहां के रानीबाग में अमित शाह रैली को संबोधित कर राजनीतिक हिंसा बढ़ गई। 120 से ज्यादा, 130 से ज्यादा, माफ करना 130 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मार दिए। यहां पर भी हमारे दो कार्यकर्ता को मार दिए। मित्रों, अभी अभी मैं देख रहा हूं ममता जी के पैर में चोट आई, देखा है ना आपने चोट आई। अबे तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ। भगवान जाने सच कौन, मगर दीदी आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गए, बहुत दुखी हो गई, व्हील चेयर में घूमती है। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? आपको इनके आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है, 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं, इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है? बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब दूंगा। दीदी, जो मारे गए वो किसी के बेटे नहीं थे, किसी के भाई नहीं थे, किसी के पति नहीं थे, किसी के बाप नहीं थे, और मरते वक्त उनको दर्द नहीं हुआ होता। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप जल्दी अच्छी हो जाए, मगर अच्छा होता कि 130 लोगों के लिए भी आपके दिल में थोड़ा दर्द। मित्रों, बंगाल की रेवेन्यू कोयला चोरी हो रही, गौ माता की तस्करी हो रही। तो ममता बनर्जी के पैर की चोट को राजनीतिक चोट निशाने पर लेते हुए अमित शाह ने कहा कि अपनी चोट पर दर्द ममता बनर्जी को हो रहा होगा, लेकिन बीजेपी की जो 130 कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या हो गई, क्या उनकी माओ की कलेजे की चोट का एहसास ममता बनर्जी को है? न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।